अगर आपको हमारी ये अदरक और लहसुन की पेस्ट की रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ये थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आज हम बनाएंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिसके लिए मैंने एक कटोरी लहसुन लिया है और एक कटोरी मैंने अदरक लिया है और ये मैंने तेल और थोड़ा सा नमक लिया है 1 चम्मच। और हम अदरक और लहसुन को मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेते हैं। मैं इसमें ये लहसुन और अदरक को डाल दूंगी। अगर अदरक के ज़्यादा मोटे टुकड़े हो तो आप उन्हें कट करके डाल सकते हैं। हमें इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। मैं इसे थोड़ा सा पीस लेती हूँ एक बार, फिर आपको दिखाती हूँ। हमने इसको इतना ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये तेल डाल देती हूँ, नमक, इसको इस तरह से इसमें डाल देती हूँ पूरे को ऊपर से हटा के। अब मैं इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लूँगी। मैंने इसको पीस लिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पेस्ट बना है इसका। हम सारे पेस्ट को इस कटोरी के अंदर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसे एक बोतल के अंदर भर के रख देंगे स्टोर करके, जिससे कि ये हमारा पेस्ट ख़राब ना हो। ये मैंने सारे पेस्ट को इसके अंदर निकाल लिया है। अब मैं इसे एक जार में भर के रख दूंगी। आप कोई भी इस तरह का कांच का जार ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर पानी होगा तो हमारा ये पेस्ट ख़राब हो जाएगा। मैं इस पेस्ट को इस जार के अंदर स्टोर करके रख देती हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई जार हो तो आप भी उसके अंदर सारे पेस्ट को स्टोर करके रख दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी किसी भी तरह से हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने सारे पेस्ट को इस जार के अंदर निकाल के स्टोर कर दिया है। आपके पास भी इस तरह का कोई जार हो तो आप भी इसे इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दें। एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इस पेस्ट को स्टोर करें तो जार अंदर से गीला नहीं होना चाहिए। अगर जार अंदर से गीला होगा तो उसके अंदर फंगस लग जाएंगे और हमारा पेस्ट जल्दी से ख़राब हो जाएगा। आप इसे फ्रिज में स्टोर करके लंबे टाइम तक रख सकते हो। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।